गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम मोहम्मद उमर। वेलकम टू उमा बाजंती पब्लिक स्कूल शाहपुर बदलापुर जौनपुर। आप हमें उमा बाजंती के वेबसाइट, यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। हम आए हैं आपके सामने, फिर से उपस्थित हुआ हूँ। चैप्टर नंबर 3 सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। उसमें क्लॉथिंग, चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या है? क्लॉथिंग। उसमें हम लोग पढ़े थे क्लॉथ के बारे में, फाइबर, टू टाइप के फाइबर बताया गया था, सिंथेटिक फाइबर एंड नेचुरल फाइबर। सिंथेटिक फाइबर आर मैन मेड फाइबर्स एंड नेचुरल फाइबर वी गेट फ्रॉम नेचर लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स। नेचुरल फाइबर जो होते हैं वे हमें पेड़ पौधे और जानवरों से मिलते हैं, नेचर के द्वारा नेचर से मिलता है। लेकिन जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो मैन मेड होते हैं, आदमी के द्वारा बनाए होते हैं, जैसे पॉलिस्टर, टेरिलेन, ये सब आपके सिंथेटिक थे। लेकिन आपके जो नेचुरल है उसमें आपका सिल्क, ऊल, कॉटन, ये सब आपके नेचुरल फाइबर थे। उसके बाद हम लोग टाइप ऑफ क्लॉथ पढ़े थे। वी आर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ इन डिफरेंट सीजन, डिफरेंट वेकेशन, डिफरेंट प्लेसेस। हम लोग क्लॉथ को अलग अलग जगह पे, अलग अलग समय पे, अलग अलग सीजन में पहनते हैं। बताया गया था जब हम शादी वगैरह में जाते हैं न्यू क्लॉथ पर पहनते हैं, स्कूल में जाते हैं स्कूल का यूनिफॉर्म पहनते हैं, और कोई फंक्शन रहता है वहां पे हम अलग से कपड़ा पहनते हैं, इस तरह से। और सीजन के बेस बताया गया था, सीजन में हम लोग समर में कॉटन क्लॉथ पहनते हैं। कॉटन क्लॉथ कब पहनते हैं हम लोग? समर में। वूलन क्लॉथ कब पहनते हैं? विंटर में। रेनकोट कब पहनते हैं हम लोग? रेनी सीजन में। ये अलग अलग टाइप के क्लॉथ हम लोग अलग अलग सीजन पहनते हैं। व्हाई दिस क्लॉथ वी वियर इन डिफरेंट सीजन, या हम ये जो क्लॉथ है हम अलग अलग सीजन में अलग अलग कपड़े क्यों पहनते हैं? यहाँ पे कुछ रीजन है, वहां पे दिया गया है क्लॉथ आप और फॉर द फॉलोइंग सीजन। यहाँ पे कुछ रीजन दिया गया है क्यों हम कॉटन क्लॉथ को समर में पहनते हैं, क्यों हम वूलन क्लॉथ को हम विंटर में पहनते हैं, और रेनकोट को क्यों हम रेनी सीजन पहनते हैं। तो यहाँ पे दिया गया फर्स्ट ए नंबर, कॉटन क्लॉथ एब्जॉर्ब हीट, स्वेट में से पसीना। जो कॉटन क्लॉथ होता है, कॉटन के कपड़े जो होते हैं, सूती कपड़े जिसे कहते हैं, वे तो फर्स्ट क्या करते हैं, पसीनों को सूखता है। जो अब क्योंकि गर्मी के समय ही पसीना ज्यादा निकलता है, ठंडी निकलता नहीं, तो पसीना को सूखने काम करता है। एंड अलाउ द एयर टू पास देम, और हवा को आर पार जाने में भी मदद करता है, क्योंकि इनके जो रेशे हैं, रेशे जगह होता है वो दूर दूर हल्का हुआ, जो उनकी बनावट होती है, बनावट होती है उनके धागों के बीच में गैपिंग रहता है, इसके वजह से हवा को आर पार जाने में मदद करते हैं। इसके वजह से ये हमें गर्मी में क्या रखते हैं, कूल रखते हैं, ठंडा रखते हैं। When we are cotton cloth in summer season, this cloth firstly absorbs heat and allow pass the air through them. So this cloth keep us cool in summer season. इसलिए हम लोग कॉटन क्लॉथ का पहनते हैं गर्मी के दिनों में, क्यों? पहले बताया गया है
पसीनों सोखता है, दूसरा पता गया हवा को आर पार जाने में मदद करता है, इसकी वजह से हमारे शरीर को क्या करता है, ठंडा रखता है। सेकेंड उलन क्रांत के बारे में, उलन क्रांत जो होते हैं ट्रैप हीट इनसाइड, जो हीट होता है हमारे बॉडी का, हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, उसको क्या करता है पकड़ के रखता है, बाहर जाने नहीं देता, जो भी गर्मी हमारे शरीर की है उस गर्मी को उसी के अंदर रहने देता है, बाहर नहीं जाने देता है, इसके वजह से ये हमें ठंडी के मौसम में गर्म रखना उलन। बाहर से अलग बात है ठंडी जा पाए, लेकिन जो आपके शरीर का जो टेम्परेचर होता है उसको बाहर जाने से रोकता है, वही टेम्परेचर हम हमारे शरीर को क्या करता है वार्म रखता है, किस सीजन में विंटर सीजन में। थर्ड बताया गया रेनकोट, रेनकोट क्या करता है कीप अस ड्राई, रेनकोट पहनने से जो रेनकोट होता है वो हमें पहले तो ड्राई रखता है और प्रिवेंट अस फ्रॉम वेट और गीला होने से बचाता है। नेक्स्ट है वेयरिंग कूल स्लीप क्लॉथ, यानी कि कूलिंग बाम वाले कपड़ा पहनना चाहिए, ये हमें इंसेक्ट बाइट से बचाता है, कोई भी कीड़ा मकोड़ा अगर आपका टी शर्ट पहने हुए तो इतना खुला रहेगा आपका आर्म या आपके हैंड आप ऊपर रहेगा तो इंसेक्ट आकर के बैठ काट सकता है, लेकिन अगर आपका क्लॉथ फुल है या आपका जैकेट फुल है इस पर बैठेगा तो काटेगा तो फर्स्ट इसके क्लॉथ नहीं जाएगा तो अंदर आपके स्किन को टच नहीं कर सकता, इसलिए फुल बांह वाले कपड़ा पहनना चाहिए। हो गए आपके कॉम्पन सीजन में और लंबी बांह वाले कपड़े क्यों पहनना चाहिए। नेक्स्ट आपका है केयर ऑफ क्लॉथ, केयर ऑफ क्लॉथ कपड़े का देखभाल, कपड़ा हम लोग पहनते हैं गंदा हो जाता है उसको साफ करते हैं, साफ करना भी आपका केयर हो गया, इसके बाद उसको प्रेस करना ये भी आपका हो गया, क्योंकि रिंकल पड़ जाते हैं आपके कपड़े में, झुर्रियां पड़ जाती है तो वो अच्छा नहीं लगता, अगर वो वहां पर उसे रहेगा तो वहां फट भी सकता है, इसलिए प्रेस करने से वो कम स्मूथ हो जाता है, इससे आपका क्लॉथ जो होता है फटता जल्दी नहीं है। और अलग अलग सीजन में होता है, जैसे गर्मी का सीजन में हम लोग क्लॉथ कॉटन क्लॉथ पहनते हैं, लेकिन विंटर में नहीं पहनते तो उसको किसी ऐसे स्थान पर रखते हैं जिससे उसको कोई नुकसान ना हो, फिर हम अगले समर सीजन में पहन सके, तो वही आपका होता है केयर ऑफ क्लॉथ। फर्स्ट क्या करना चाहिए, वॉश करना चाहिए, वॉश द क्लॉथ, कपड़े को वॉश करना चाहिए, ये आपका हो गया। क्यों वॉश करना चाहिए, जो आपके जार्ड होते हैं स्मेल आने लगते हैं गर्मी की वजह से, इसके वजह से पसीने के जो बदबू आने लगती है या डस्ट आपके क्लॉथ में बैठ जाते हैं तो उसको रिमूव करने के लिए क्या करना चाहिए, वॉश द क्लॉथ, रिमूव द स्मेल ऑफ पसीना, इन सबको रिमूव करने के लिए क्या करना चाहिए, वॉश करना चाहिए। सेकेंड
सिल्क और वुलन क्लॉथ को उसका जो केयर है अच्छी तरह करना चाहिए। उनको वुलन क्लॉथ को कैसे वाश करना चाहिए, ड्राई वाश, हाँ, वुलन एंड सिल्क एंड सिल्क क्लॉथ्स वाश वाश विद ड्राई वाश ड्राई क्लीन, हाँ ड्राई क्लीनिंग होता है। अगर हम वुलन और सिल्क के कपड़े को पानी से धोते हैं, वेट पानी डालने के वेट हो जाए, गीला हो जाता है, तो उससे धोते तो जल्दी गंदा हो जाता है, खराब हो जाता है। इसलिए इन सभी वुलन और सिल्क के कपड़े को ज्यादा से ज्यादा इसे वॉश करना चाहिए, ड्राई क्लीनिंग होता है उसे कराना चाहिए। हाँ, नेक्स्ट दो हो गया, वेन स्टोर क्लॉथ्स, जब हम कभी क्लॉथ को स्टोर करके रखते हैं तो उसमें क्या रखना चाहिए, मॉल बार आता है, मॉल बार आता है, गोला बार होता है, तो उसको रखने से जो आपके सिल्वर हिस होता है, यानी कि या जो कपड़े काटने कुतरने वाले होते हैं उससे रक्षा हो सकता है। तो यहाँ पे क्या रखना चाहिए क्लॉथ के बीचों में, वेन स्टोर क्लॉथ्स मॉथ बॉल झेंगुर की गोली कहते हैं, इसका गोली झेंगुर गोली झेंगुर होता है उसी गोली कहते हैं। अगर जाओगे बाजार में झेंगुर की गोली कहेंगे, वो आपको देखिए पैकेट में मिलता है, 6-7-8-9 रहता है, उसको क्या करना चाहिए कपड़ों के बीच में रख देना चाहिए, जिससे आपके जो कीड़े जो क्लॉथ को काटने वाले तरने वाले होते हैं उसको अटैक नहीं कर पाएंगे और आपके कपड़े को सुरक्षित रखेंगे। ये रखता है मोट वर्ष या ड्राई नीम, या आप सूखी नीम की पत्ती भी कपड़ों के बीच में रख देंगे तो तब भी आपका कपड़ा सेफ रहेगा। और ड्राई नीम लीफ्स लीफ्स किप विथ देम, ये आपकी थी केयर ऑफ क्लॉथ है। पहले कपड़े को धोना चाहिए, वॉश करना चाहिए, और क्यों वॉश करना चाहिए, जो आपकी स्वेट का स्मेल होता है या डर्ट होता है उसको रिमूव करने के लिए धोना चाहिए। सेकंड बताया गया वुलन और सिल्क क्लॉथ को किससे धोना चाहिए, ड्राई क्लीनिंग होता है उससे करवाना चाहिए। हाँ, ड्राई क्लीनिंग होता है उससे करना चाहिए, वेट क्लीनिंग से वुलन और सिल्क कपड़े जो होते हैं खराब हो सकते हैं, इसलिए उनको ड्राई क्लीनिंग होना चाहिए। और जब हम कपड़े स्टोर कर रहे हैं कहीं पर कंपार्ट में रख रहे हैं या अटैचे वगैरह में रख रहे हैं, सूटकेस में रख रहे हैं, तो उन कपड़ों के बीच में मॉथ बॉल्स झेंगुर की गोली जो होती है या सूखी नीम की पत्ती, सूखी नीम की पत्ती को उनके बीच में रख देना चाहिए। इससे जो कीड़े मोट होते हैं या सिल्वर फिश होते हैं एक कपड़े को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इस तरह से आपके यहाँ पे लेसन का लेसन
कंप्लीट होता है तो होमवर्क लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, होमवर्क, वाई आर कॉटन क्लॉथ, कॉटन क्लॉथ ओन इन समर, ओन इन समर, समर के समय में हम कॉटन कपड़े क्यों पहनते हैं, उसका पहले ही बताया मैंने क्यों पहनते हैं। जो स्वेट होता है इसका जाप रखता है, एयर को पास करता है और शरीर को ठंडा रखता है। सेकेंड, वाई और कूल एन, कूल एन क्लास कोल एन विंटर, विंटर समय में उनकी कपड़े हम क्यों पहनते हैं ये भी आप बताएंगे, क्योंकि ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को बाहर नहीं दे जाने देता, ट्रैक करके रखता है टेम्परेचर को, गर्मी को, इसलिए पहनना चाहिए। नंबर थ्री, वाई आर रेनकोट, रेनकोट वोन इन रेन सीजन, रेनकोट हम रेन सीजन क्यों पहनते हैं ये भी बताया था। नंबर फोर, राइट केयर ऑफ क्लास, तो तीन रूल बताया गया था, राइट केयर ऑफ क्लास। जय साल, थैंक यू।